लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फोटो का आप बैकग्राउंड आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड चेंज करके आप नया बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फोटो आई है जिसका बैकग्राउंड आप आसानी से चेंज करके आप किसी भी फाइल पे लगाना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट की तरह से यूज करना चाहते हैं, तो ये कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे removebg.com। सबसे पहले जो लिंक आएगी हम उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से अपलोड इमेज का एक साइन आएगा, यहाँ से हम अपलोड इमेज करेंगे। अपलोड इमेज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कैमरा आइकन दिया हुआ है, एक ब्राउज़र आइकन दिया हुआ है। अगर आप किसी कैमरे से डायरेक्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने ब्राउज़र से लेना चाहते हैं यानी गैलरी से लेना चाहते हैं वहाँ से भी आप इमेज को पिक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हम इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर चुके हैं और हम यहाँ इसे डाउनलोड करेंगे। चलिए हम यहाँ इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यही क्रोम ब्राउज़र से एक बैकग्राउंड लेंगे। किसी भी आप फाइल में या फॉर्म में फ़ोटो पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लू बैकग्राउंड होता है और बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, तो यहाँ से हम कोई एक सा बैकग्राउंड ले लेंगे। चलिए हम यहाँ से ब्लू वाला ले लेते हैं, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम एक इनशॉट नाम का एप्लीकेशन ऑन करेंगे। इनशॉट नाम की एप्लीकेशन ऑन करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसे शेप दे देंगे, पहले इसका साइज बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम स्टिकर पे क्लिक करेंगे, स्टिकर पे क्लिक करते ही हम गैलरी में जाएंगे, यहाँ से फ़ोटो पिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम फ़ोटो लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड इसका एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप कहीं पे भी फ़ोटो लगा सकते हैं आराम से, इसे सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आप इसे चाहते हैं इसकी साइज़ को रीसाइज़ करना है तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से इसे स्लाइड करके क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड किसी तरह भी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों बैकग्राउंड कितनी आसानी से चेंज हो चुका है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक।